हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीसी के पूरे सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में जो ये चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें पहले हमने एक वीडियो में ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज को अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर इस वीडियो में आज हम इंडियन कंपनीज को समझने की कोशिश करेंगे। सब इंडियन कंपनीज यहाँ पर कवर नहीं होगी, 22-23 इंडियन कंपनीज आपके कोर्स में यहाँ पर है। उन सब से रिलेटेड बहुत सारा डेटा है, जैसे उनका इनकॉर्पोरेशन का ईयर कौन है, उनका CEO कौन है, उनके CFO कौन है, MDs कौन है, उनका क्या विजन है, क्या मिशन है, उनका रेवेन्यू कितना था, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका कौन सी रैंकिंग है, एम्प्लॉयर में कौन सी रैंकिंग है, वो सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ कंपनीज को हम देखते हैं, कुछ ईयर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये लिस्ट आपको इस तरीके से दिखेगी। आपके मॉड्यूल में आपको लिस्ट दी हुई है, देखिए। तो ग्लोबल कंपनीज़ के केस में टोटल 9 कंपनीज़ हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हमें 9 कंपनीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इंडस्ट्री के हिसाब से इनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, फिर हमने उनके इनकॉर्पोरेशन का ईयर और उनकी कंट्री को हमने याद करने की कोशिश की थी, बड़े अच्छे से हम वो याद कर पाए थे। उसके बाद में हमने उनके स्टार पॉइंट्स देखे थे जिनके ऊपर MCQs आते थे, और एट लास्ट हमने CEOs को फर्स्ट या सेकंड नेम से याद करने की कोशिश करी थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन कंपनीज की दोस्तों, सो इंडियन कंपनीज के केस में यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें ज़्यादा डेटा नहीं है, बट कुछ ऐसे स्टार पॉइंट्स हैं जिनसे MCQs हमेशा क्रिएट हो सकते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे ऑयल कंपनी में ये कौन सी कंपनी ने किया, या फिर पूछ सकते हैं ऐसे कौन से बैंक ने किया, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी थी जहां पर ऐसा होता है, किसने किसका मर्जर किया, ऐसा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे आ सकते हैं मैन पावर वाले क्वेश्चन, यानी कि आप बताइए यहां पर ये पर्सन किसका CEO है, किसका CFO है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर आ सकता है आपके सामने, वो है सब्सिडरीज के ऊपर, ईयर्स के ऊपर और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन के डिवाइडेशन यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके से कुछ डेटा को हम यहाँ पर कवर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे पहली कंपनी देखते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अब हर कंपनी में ईयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए आपको इनकॉर्पोरेशन का ईयर दे रहेगा, ओनरशिप ग्रुप कौन है वो दिया रहेगा, हेडक्वार्टर क्या है। तो हेडक्वार्टर के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मुंबई लिखना है। इंडियन कंपनीज के केस में बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम 70% ऑफ द कंपनीज का हेडक्वार्टर मुंबई ही रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में ये तीन नाम हमेशा रहेंगे, CFO, CEO और MD, या फिर कोई दूसरा यहाँ पर सुपीरियर पर्सन कौन है, ठीक है। कंपनी करती क्या है उसका यहाँ पर नॉलेज रहेगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स रहेंगे, लॉजिस्टिक का है, और बिजनेस इन न्यूज़ का सेगमेंट हमेशा लास्ट में आएगा। अब दोस्तों बिजनेस इन न्यूज़ का थोड़ा सा फंडा ये है कि अगर कोई एकदम रैंडम क्वेश्चन फंस गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सबकी रैंकिंग याद नहीं कर सकते हैं। आप जैसे फर्स्ट कौन आया, ठीक है, या फिर टॉप 10 में कौन आया, या फिर 2018 के लिस्ट में मेजरली कुछ कंपनीज है उनका हम याद कर लेंगे, सबका तो हम याद नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सेगमेंट को थोड़ा हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे बहुत जगह पर, कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हम यहाँ पर याद करें, फालतू कचरा दिमाग में नहीं भरे, ठीक है, जो हम याद कर सकते हैं वही करेंगे। अब अडानी पोर्ट्स है तो ऑब्वियसली पोर्ट्स के बिजनेस में है ये, SEZ इकोनॉमिक जोन के अंदर ये है, तो उसका भी कुछ यहाँ पर नॉलेज होगा ही सही। 1998 में ये कंपनी बनी, ठीक है, अडानी ग्रुप है, अहमदाबाद इनका क्या है, हेडक्वार्टर है, ओके। अब इनकी CEO और MD को याद करना इजी है, क्योंकि अडानी अडानी सरनेम आई रहा है, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे, चांसेस क्या है पूछने के, दीपक माहेश्वरी, ठीक है। तो जितना AD इंपॉर्टेंट है इस नाम में, उतना और कुछ भी नहीं है। ए से आपको अहमदाबाद याद रखना है और डी से आपको दीपक का नाम याद रखना है, ठीक है। सो दीपक माहेश्वरी इसके CFO है, वो आप नाम याद रखिए, ओके। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आपको, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, या फिर एकदम बहुत खतरनाक हम तैयार कर रहे हैं, नो, रिवीजन वीडियो है, स्टार पॉइंट्स देखिए, थोड़ी सी ट्रिक्स देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे नहीं लगाना है ना।
ये जो अडानी ग्रुप है लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स है बच्चों, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंद्रा, मुंद्रा एक जगह है वहां पर है, ठीक है। सो ये इनका जो पोर्ट बिजनेस है ये इंटीग्रल टू इट्स लॉजिस्टिक बिजनेस है एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। तो पोर्ट का सिंगल कंपनी है तो आपको याद रहेगा, चार कंपनीज का नाम दे दिए और बोल दिया कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कौन है तो आपको अडानी का नाम ही लिखना है। तो ये 10 लोकेशन से ज्यादा है, पोर्ट के यहां पर नाम दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा इस कंपनी में आप कुछ याद मत करिए, काफी है। सो जैसा कि इस कंपनी में हमने देखा, हमने कंपनी का नाम देखा, उसके कुछ पर्संस के नाम को याद करने की टेक्निक देखी और एक स्टार हमने यहाँ पर डेटा लिया। स्टार डेटा यहाँ पर क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टार मार्क हम कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, दीपक माहेश्वरी डी से हमने याद कर लिया है और ए आ रहा है तो अहमदाबाद है इसमें, ये आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी कंपनी एशियन पेंट्स। अब दोस्तों एशियन पेंट्स के अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, तो 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले ये 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 4 लोगों ने ये स्टार्ट किया और फिर उसको धीरे धीरे उन्होंने कंपनी में कन्वर्ट किया। अब देखिए ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको दिखेगा नीचे जब हम पढ़ने वाले हैं। इट वॉज इनिशियली सेटअप बाय अ पार्टनरशिप फर्म बाय 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों ने बैठ के इसको बनाया था, फिर बाद में इसको कन्वर्ट किया गया। ओके, तो ये तो एक नॉलेज की बात हुई। नाउ मुंबई हेडक्वार्टर है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या देख सकते हैं, इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1942 दोस्तों, ठीक है। तो 42 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1942 इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में 4 को बनाया जाता है किस तरीके से, हिंदी में 4 को बनाया जाता है इस तरीके से, बराबर है। तो ये कुछ लोगों से रिजेंबल होता हुआ है ऐसा, बराबर है, इस तरीके से ये बनता है। तो आपको यहाँ पर ये 4 याद रखना है हिंदी का और 1942 आप इससे रिलेट कर पाएंगे, ये छोटी सी एक ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब बात आती है कि इसके मेंबर्स की यहाँ पर, तो आनंद अश्विनी और जयेश मर्चेंट, आनंद और अश्विनी, अश्विनी का आपको नाम याद रहेगा एशियन से, बराबर है। तो एशियन है और अश्विनी है, ये इनकी यहाँ पर क्या है, अश्विनी दानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका नाम आपको यहाँ पर याद करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ KBS आनंद इनके MD है और CEO है यहाँ पर। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, ए से आपको एशियन पेंट है तो आनंद आपको यहाँ पर सुकून से याद रहेगा, क्यों? क्योंकि घर में अच्छा पेंट होता है तो सब कुछ आनंद ही आनंद रहता है, तो KBS आनंद आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अभी कंपनी करती क्या है, 16 कंट्रीज में एशियन पेंट है, 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड है, ठीक है, 200 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट है और साथ में ये क्या है, द नियरेस्ट राइवल्स इसके कौन कौन है, कॉम्पिटिंग फर्म्स एशियन पेंट्स की कौन कौन है, कंसाई, नेरोलेक, नेरोलेक का आपने नाम सुना होगा तो नेरोलेक इनके कॉम्पिटिटर है, शालीमार पेंट्स इनके कॉम्पिटिटर है, जैनसन एंड निकोलसन इनके कॉम्पिटिटर है और बर्जर पेंट्स इनके कॉम्पिटिटर है, ये सारे नाम आपके सुने हुए होंगे। तो एशियन पेंट्स बहुत ही पुरानी कंपनी दोस्तों, 1942 की कंपनीज है, मुंबई हेडक्वार्टर है इनका, ठीक है। नाउ 4 फ्रेंड्स वाली मैंने आपको कहानी बता दी है, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सारी चीज़ें यूज करते हैं। एशियन पेंट्स अभी 4 सेगमेंट के अंदर है, इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, एनिमल्स एंड वुड फिनिशेस में भी इन्होंने एंट्री ले ली है, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी एशियन पेंट्स की कहानी है। तो एशियन पेंट्स में आपने पूरे लोगों के ऊपर काम चल रहा है, 4 है तो 42, ए है तो एशियन और ए है तो आनंद, ठीक है, और ए है तो अश्विनी, इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। ऊपर हमने क्या देखा था, सबसे पहली कंपनी देखी हमने अडानी, तो अडानी पोर्ट्स में हमने क्या देखा था कि लार्जेस्ट पोर्ट प्रोवाइडर है पूरे इंडिया के अंदर, बराबर है, और साथ में हमने नाम देखा था वहाँ पर पर्सन्स के नाम देखे तो किस तरीके से याद किया था, ए और डी, तो डी से दीपक है और ए से आपको अहमदाबाद याद रखना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से लोगों और उनके नाम को आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप काफ़ी सारी टेक्निक निकाल सकते हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों एक्सिस बैंक। अब 1993 में ये बैंक आया है, ठीक है, नया नया बैंक है एक्सिस बैंक, क्योंकि इसको हम पहले जिस नाम से जानते थे वो था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, यस दोस्तों UTI इसको बोला जाता था, ठीक है, एंड इट वॉज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय व्हाट, जिसे हम कहते थे LIC, जनरल इंश्योरेंस का GIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, इन सबसे जॉइंटली इसको साथ में देखा जाता था। देखिए एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू हैव बिगन ऑपरेशन इन 1994। द बैंक वॉज प्रमोटेड इन 1993 जॉइंटली बाय SUUTI, सुती जिसे हम कहते हैं, देन नोन एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तब
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, GIC, नेशनल इंश्योरेंस इसको प्रमोट करते थे, ठीक है। तो ये सबसे नया बैंक के लिस्ट में एक बैंक आता है, एक्सिस बैंक, UTI के नाम से जाना जाता था, इसलिए हमारी जनरेशन का है, तो 1993 से आप याद रखिएगा। नाउ जैसे कि मैंने नाम से हमेशा रिलेट करता हूँ, अब यहाँ पर S जो आया है एक्सिस बैंक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट MD और CEO की बात करोगी तो वो है SS, मिस SS मतलब शिखा शर्मा, ठीक है। सो शिखा शर्मा यहाँ पर अभी CEO है एक्सिस बैंक की, ठीक है। अगर चेयरमैन देखेंगे तो वो भी S संजीव जी है, और CFO की बात करेंगे तो वो भी श्रीधरन जी है। तो S यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सो एक्सिस बैंक आएगा तो यहाँ पर S को थोड़ा सा आप याद रखना तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सो एग्रीकल्चर, रिटेल बिजनेस, MSME में ये बैंक आगे है, ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए, ठीक है। कितनी ब्रांचेज है, कितने ATM है, ये तो आप बता भी नहीं पाएंगे, ना ही वो लोग पूछेंगे, ठीक है। फिलोसॉफी इतनी को इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, द बैंक हैज़ 10 होली ओन्ड सब्सिडरी, 10 होली ओन्ड सब्सिडरीज है इसकी दोस्तों, जैसे एक्सिस कैपिटल है, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी है, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज है, असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC है, म्यूचुअल फंड है MF, UK लिमिटेड है, सिक्योरिटी लिमिटेड है, इस तरीके से 10 इसकी सब्सिडरीज है, तो ये आप याद रखिए। अब आता है अगला नंबर, बजाज, ठीक है। बजाज के केस में देखिए आप, बजाज थोड़ा सा मॉडर्न है, क्यों है, क्योंकि बजाज ने हाल ही में अपनी जो बाइक इंट्रोड्यूस करी थी, जो हमारा अभी जो पूरा फाइटर शिप था विक्रांत, उसको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने जो उसका मेटल यूज़ करके उसकी एक रेंज निकाली है बाइक्स की, तो बहुत मॉडर्न है बजाज, तो मुंबई जैसा नहीं है, थोड़ा पुणे के फील आती है उसमें, बराबर। तो इसलिए बजाज का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो पुणे है, ऐसे आप याद रखिए। बजाज ग्रुप है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेयरमैन और MD में तो यहाँ पर बजाज बजाज नाम आ ही रहा है, ठीक है। और जामना लाल बजाज जी जो थे, राजस्थान के थे, जामना लाल जी नाम भी ऐसा ही लगता है, उन्होंने इसको फाउंडर थे वो और बनाया था, ठीक है। तो ये सब नाम तो आपको याद रहेंगे। अब CFO जो है केविन, तो वो कैसे याद रहेंगे आपको, तो बजाज का लोगो देखिए, थोड़ा K से रिजेंबल करेगा, तो केविन यहां पर आपको CFO के नाम से याद रह सकते हैं, ठीक है। अब इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर, ये आपको याद रखना है, 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर। बजाज के जितने ऑटो चलते हैं उतने कहीं नहीं चलते होंगे, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, और 3-व्हीलर चलते भी हमारे यहाँ पर है, ठीक है। सो बिगेस्ट और लार्जेस्ट 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर कौन है, बजाज है। और क्या है, बजाज ऑटो इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड 3-व्हीलर्स, ये भी बहुत बड़ी बात है बॉस, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बजाज मोटरसाइकिल्स के केस में, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे, MCQ में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टार मार्क लगा दीजिए यहाँ पर, ये आपको याद रहेगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फिलोसॉफी इसकी ठीक है, मोटरसाइकिल्स के जो नाम वाम है वो तो आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3-व्हीलर्स में RE कॉम्पैक्ट है, RE कॉम्पैक्ट 4S है, ऑप्टिमा मैक्सिमा, ये सब इसके ऑटोस के नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली कंपनी है भारती एयरटेल, ओहो भारती मित्तल साहब ने बनाई है, इसलिए नाम है भारती एयरटेल। अभी एयरटेल आपको लगता है कि बहुत पुराना होगा, नहीं बच्चों, देखिए 1995 में एयरटेल आया है, मतलब कि 1995 में भारती एयरटेल ने ये पूरा काम चालू किया था, एंड ही वॉज अमंग वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने इंडिया में इस मोबाइल टेलीकॉम बिजनेस को पहले से परख लिया था। 1995 में जब 4 ऑपरेटर्स ऑक्शन के लिए इंडिया में आए, तो भारती साहब ने यहाँ पर ऑक्शन में एयरटेल को ले लिया था, और तब से उन्होंने अपना काम चालू किया है, और 2G 3G 4G और सब वो अभी तक कर ही रहे हैं, ठीक है। सो एयरटेल 1995 में आया, भारती ग्रुप है, तो ऑब्वियसली सुनील जी मित्तल भारती जो है वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो सुनील भारती मित्तल तो आपको याद रहेगा, और मित्तल से वित्तल आपको याद रहेगा, जो MD और ई है और CEO है, ठीक है। तो वित्तल भी आपको याद रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद में क्या है, CFO तो मिस्टर बादल बगरी, अब बगरी से आपको कैसे बी से याद रहेगा बगरी, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, 3G में, GSM में, 4G LTE में, ये सब आपको याद रहेगा। अब इसका यहाँ पर फैक्ट क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड दोस्तों, याद रखिए, विद 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, सबसे पहले दिल्ली में 1995 में उन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए, विद इन अ फ्यू ईयर्स भारती बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू क्रॉस 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर मार्क, तो एयरटेल काफ़ी पुराना है अब इस इंडस्ट्री के अंदर, इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी फेम भी कमाया है। और हाल ही में अफ्रीका में उन्होंने 2015 में एक चाइना कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करके अपना काम वहां पर चालू किया है, ठीक है। नाउ अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो है BPCL जिसे बोला जाता है, BPCL ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बराबर है।
ओके इनको चलाते कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ना, वो काफ़ी कुमार लोग होते हैं। कुमार लोग मतलब कि उनको आराम से कुमार करके इज्जत दे के बात करनी पड़ती है। तो आर राजकुमार नहीं है, डी राजकुमार है, ठीक है। सो डी राजकुमार, के शिवा कुमार, ये कौन है? ये चेयरमैन है और CFO है। तो ये दो नाम तो आपको याद रहेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इनको कुमार से आप याद रखिएगा, ठीक है। सो दो नाम तो आपको डी राजकुमार और के शिवा कुमार आपको याद हो जाएगा, वो काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, BPCL जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटी है, ठीक है। तो स्टेट कंट्रोल ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसको आप याद रखिए। भारत गैस बहुत ही सॉलिड कंपनी है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं। मतलब कि अगर आप डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोला जाता है। देखिए, द 24/7 सर्विसेज प्रोवाइडर भारत पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल सर्विसेज मेक्स इट्स द प्रिफर्ड सप्लायर फॉर ऑल मेजर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के यहाँ पर 24/7 ये क्या करते हैं, एविएशन फ्यूल भी देने वाली कंपनी है। ऑयल एंड गैस है ना, तो एविएशन फ्यूल भी ये प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के अंदर LPG सिलेंडर्स और मिनी LPG सिलेंडर्स को लाने वाला कौन है? ये कौन है? BPCL ही है, ठीक है। 40% ऑफ इंटरनेशनल वॉल्यूम इन इंडिया आर फ्यूल्ड बाय BPCL, ये भी याद रखिए। डिफेंस सेक्टर मैंने आपको बोल दिया। और ये पहली इकलौती ऑयल कंपनी है इंडिया की जिसने इक्विटी स्टेक ले रखा है, किसके अंदर? कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और इसका नाम क्या था? बुर्मा शेल रिफाइनर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा रिजेंबल करता हुआ बुमराह और बुर्मा, तो आपको याद रहेगा कि बुमराह करने वाली बात है या गुमराह करने वाली बात है, तो उससे आप इसको याद रखिए। बुर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड पहले प्राइवेट कंपनी थी, ये आपसे MCQ में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी तो इसका पहले नाम क्या था, तो बुर्मा से आपको नाम याद रहना चाहिए। फिलोसॉफी बहुत ही ईजी है, बट मिशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। BPCL का मिशन देखिए आप ज़रा, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की बात करते हैं। 150 विलेजेस को इनको कन्वर्ट करना है वाटर स्केर्स टू वाटर पॉजिटिव। एजुकेशन, मोर देन 1,000,000 से बच्चों का एजुकेशन करने का इनका मिशन है, ठीक है। और एक्सपर्ट पैनल का इनका बनाने का एक मिशन है। तो इनके मिशन बहुत पॉजिटिव थे। इनकी अभी रिफाइनरीज कहाँ पर है? 4 रिफाइनरीज है, मुंबई, कोची, बीना एंड नुमालीगढ़। इसके अलावा यहाँ पर नहीं है, तो आप ये याद रखिए। एक बार नाम आपको याद रह जाएंगे तो आपको ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ 5 या 6 कंपनीज आई थिंक यहाँ पर हमने कवर कर ली होगी एक छोटे से वीडियो के अंदर। थोड़ा थोड़ा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करे हैं, कुछ मार्किंग्स करी है, कुछ नाम याद करने की कोशिश करे हैं। छोटा वीडियो बनाया है एक हमने ट्रायल बेसिस पर। आगे हम ट्रिक्स के साथ में और आने वाली जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जो बची हुई है, उनको नेक्स्ट वीडियोज में हम लेने वाले हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो ई गेड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।